स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण विचलित थे और राधा प्रसन्न चित्त थी। राधा इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? पहले राधा उन्हें काना काना बुलाती थी। उनके मुख से द्वारकाधीश का नाम संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया और राधा से बोले कि मैं तो आज भी तुम्हारे लिए काना ही हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं भी अपनी कहता हूँ और कुछ तुम भी अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसू की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राधा बोली कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे, जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम ही रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया? प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं? कभी सोचा है इस तरक्की के युग में तुम कितने पिछड़ गए हो? आओ कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओगे तो सुनाऊं। अरे यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की, यमुना के मीठे पानी से ज़िंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र का पर भरोसा किया और 10 उंगलियों पर बजने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा तुम जब से प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वह उंगली क्या क्या खेल रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर और विनाश के काम आने लगी। ये कान्हा और द्वारकाधीश में फर्क होता है बताऊँ? कान्हा और द्वारकाधीश में फर्क होता है बताऊँ? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे पास नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क है, युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं और प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कल्पनाओं के स्वामी हैं, आप तो कई कल्पनाओं के स्वामी हैं, स्वप्न दृष्टा हैं, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, योगेश्वर हो, पर आपने क्या निर्णय किया है? आपकी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी, आपकी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने को पांडवों के साथ कर लिया। अरे सेना तो आपकी प्रजा थी, सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। जैसे आप जैसे महाज्ञानी उस रथ में रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को मार रहा था, हैं? अपनी प्रजा को मरते देख करके आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके हैं, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके हैं। आज भी धरती पर जाकर के देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे, हैं? आज भी मैं मानती हूँ कि लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती पर लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर प्रेम वाले पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, गीता से मेरा दूर दूर तक कोई नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं, आज भी उसके समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं। धन्यवाद।